हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी स्टडी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी एमटीएस टीयर वन का जो आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ था उसके रिजल्ट के बारे में कि आप लोगों का रिजल्ट कब तक आएगा एंड जो टीयर वन का जो आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ था उसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। और नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है कि जो टीयर टू का जो आप लोगों का एग्ज़ाम होना है वो कब से स्टार्ट होगा। तो सारा कुछ आज हम इस वीडियो में विथ प्रूफ कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला जो आप लोगों का डाउट निकल के आ रहा है कि रिज़ल्ट कब तक आएगा, तो मैं पिछले 3-4 बार के जो एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम हुए हैं उसका डेटा आप लोगों के लिए निकाल के लेकर आया हूँ। तो उससे हम पता करने की कोशिश करेंगे कि आपका जो रिज़ल्ट है वो कब तक निकल कर आ रहा है। तो मैं आप लोगों को पिछले बार का जो एग्ज़ाम हुआ था उस पर पेज पर लेकर चलता हूँ। अब इस स्क्रीनशॉट में आप लोग देख सकते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल एमटीएस एंड हवलदार आंसर की। तो ये आंसर की नहीं, मैं पूरा आप लोगों के लिए इसमें आप डेट्स इंपॉर्टेंट डेट्स देख सकते हैं। एप्लीकेशन जो आपकी स्टार्ट हुई थी 22 मार्च से आपकी जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हुई थी एंड आपका जो एग्ज़ाम हुआ था CVT फर्स्ट के लिए वो आपका 5 से 22 जुलाई तक आपका एग्ज़ाम चला था। और फ्रेंड्स, पेपर वन की जो आंसर की है वो आपकी 2 अगस्त को डिक्लेयर कर दी गई थी। तो और नेक्स्ट आपका जो एसएससी की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें आपको पेपर टू के लिए एग्ज़ाम डेट उन्होंने डिक्लेयर कर दी गई है, जिसमें आपको 6 नवंबर से आपका जो फेज़ टू है टीयर टू का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर 6 तारीख से आपका टीयर टू का एग्ज़ाम है तो डेफ़िनेटली उससे 15 से 20 दिन पहले आपका जो टीयर वन का रिजल्ट है वो डेफ़िनेटली आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपका जो एग्ज़ाम है 5 से 22 जुलाई को कंडक्ट करवाया गया था तो अभी फ़िलहाल अगस्त से आप जो आपका रिज़ल्ट है वो 15 से 25 अक्टूबर के बीच में जो है आपको टीयर वन का जो रिज़ल्ट है वो देखने को डेफिनेटली मिल जाएगा। तो और नेक्स्ट एक देख लेते हैं जो 2019 में वैकेंसी निकाली गई थी उसका जो एग्ज़ाम हुए थे तो वो हुए थे आपके 2 अगस्त 2019 से लेके 6 सितंबर 2019 तक। तो अब इसमें जो आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर किया गया था तो वो आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर किया गया था 5 नवंबर 2019 को, लगभग डेढ़ महीने बाद जो है आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर किया गया था। तो फ्रेंड्स, और जो आपका टीयर टू का एग्ज़ाम डेट है वो आपकी 24 नवंबर से आपका एग्ज़ाम हुआ था टीयर टू का, तो 24 नवंबर को आपका टीयर टू का एग्ज़ाम था एंड इससे 15 दिन पहले 20 दिन पहले जो है आपका रिज़ल्ट 5 तारीख को डिक्लेयर कर दिया गया था। अब नेक्स्ट एक और जो 2021 में जो वैकेंसी निकाली थी उसका डेटा देख लेते हैं। उसका डेटा के अकॉर्डिंग जो आपका टीयर वन का जो एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था आपका 5 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक जो है आपका जो टीयर वन का एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया गया था। अब जो आपका फेज़ टू का जो एग्ज़ाम डेट है वो है आपकी 8 मई से आपका फेज़ टू स्टार्ट होना था 2021 में। अब हम देख लेते हैं कि इसका रिज़ल्ट कब आया था। रिज़ल्ट आया था इसका 4 मार्च को। ये कहीं ना कहीं हम कोरोना के वजह से डिले जो है 1 महीने का जो उसमें गैप है वो हम कहीं ना कहीं मान सकते हैं, लेकिन जो आपका टीयर वन का जो रिज़ल्ट है वो कहीं ना कहीं आपको मिड अक्टूबर या फिर एंड वीक ऑफ अक्टूबर में आपको रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। अब नेक्स्ट जो पॉइंट निकल के आता है कि इस बार कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर मान के चलें, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाने वाला, तो आप इसमें देख सकते हैं जैसे कि हम बिहार स्टेट ले लेते हैं, पिछली बार 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका स्क्रीनशॉट मैं आप लोगों की निकाल के लाया हूँ। जैसे आप बिहार का कट ऑफ देख सकते हैं, बिहार में पिछली बार जो OBC की कट ऑफ गई थी वो आपकी 91 मार्क्स कट ऑफ गई थी एंड जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो 93 मार्क्स कट ऑफ गई थी। तो इसके अकॉर्डिंग हम इस बार मान सकते हैं जो SSC ने MTS में वैकेंसी निकाली थी उसमें इस बार उन्होंने 2 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली थी, SSC MTS एंड SSC हवलदार। तो फ्रेंड्स, इस बार जो कट ऑफ है वो आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, इस बार जो कट ऑफ में आपको 4 से 5 नंबर का आपको बेनिफिट मिलने वाला है, 4 से 5 नंबर आप इसमें से जो कट ऑफ आपकी पिछली बार गई थी उसमें से आप डेफिनेटली कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके इस बार मार्क्स, अगर रॉ मार्क्स 70 मार्क्स बन रहे हैं एंड नॉर्मलाइजेशन में आपके डेफिनेटली 4 से 5 मार्क्स RCET के अकॉर्डिंग बढ़ सकते हैं। तो अगर आपके मार्क्स 75 हैं
और पिछली बार अगर आपकी कट ऑफ 80 गई थी, आपके जो स्टेट है उसकी कट ऑफ 80 गई थी, तो इस बार आपका 75 पे डेफिनेटली आपका काम हो जाएगा, आपको टीयर 1 टीयर 2 के लिए जो है एडमिट कार्ड आपके लिए आ जाएगा। तो फ्रेंड्स कट ऑफ की बात, अब नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है कि इस बार जो आपका टीयर 2 का एग्ज़ाम है वो कब से कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इसकी जो ऑफिशियल डेट जो है SSC की तरफ से अनाउंस कर दी गई, जिसमें आपका जो MTS नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार CBIC एंड CVN एग्जामिनेशन 2021, इसका जो पेपर 2 है उसकी डेट आपको डिक्लेयर कर दी गई है, जो कि आपकी है 6 नवंबर 2022। 6 नवंबर 2022 से आपके जो पेपर 2 है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग प्रिपरेशन में लग जाइए, अगर आपकी कट ऑफ इस क्राइटेरिया में अगर बन रही है, आप लोग अपने अपने स्टेट की चेक कर लीजिएगा, जितनी पिछले बार गई थी उससे 5 नंबर कम इस बार जाने वाली है। तो इसमें अगर आपकी कट ऑफ आ रही है तो डेफिनेटली आप फेज 2 के लिए तैयारी कीजिए। तो ऑल द बेस्ट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।